स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं भावना साहू, भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन मेहरा लेकपुर से। आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो आपका थर्ड चैप्टर होता है स्टीरियो केमिस्ट्री का, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। इसमें आपके मिरर इमेज या इसमें आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर और आपका डाइस्टीरियोमर, इनैंशियोमर, आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और आपका एपीमर, आपका जितना भी इसमें है आपका, तो इसी चैप्टर में आता है। स्टीरियो केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ऑर्गेनिक में। किस तरीके से आपको मिरर इमेज देखना है, किस तरीके से आपको प्लेन डालना है, ये सब। और मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि आपके जो इनैंशियोमर के बारे में, इनैंशियोमर अगर आप सबसे पहले तो डाइस्टीरियोमर जो होते हैं आपके आपके डाइस्टीरियोमर में क्या आएगा, डाइस्टीरियोमर में जो होता है आपका, जैसे मान लो सपोज आपने कोई कंपाउंड, आपने मॉलिक्यूल बनाया, जैसे आप ग्लूकोज का बनाते हो या फिर कोई भी छोटा, लैक्टिक एसिड है आपका, टार्टरिक एसिड है, तो आप एक काम करिए, जैसे आपने लैक्टिक एसिड का आपने एक तरफ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और दूसरी तरफ आपने उसका मिरर इमेज बनाया। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है? मिरर इमेज का मतलब ये होता है, जैसे आप अपने आप को शीशे में देखते हैं तो आपका कहाँ दिखता है? राइट राइट में दिखता है आपका, लेफ्ट लेफ्ट में दिखता है आपका, फेस जैसा है वैसा ही फेस दिखता है, कुछ अलग से तो दिखता नहीं है। इस तरीके से आपको मिरर इमेज देखना है कि किस मॉलिक्यूल का, किस तरीके का मिरर इमेज है। अगर मिरर इमेज है, मिरर इमेज मतलब होता है दर्पण प्रतिबिंब, तो अगर आपका मिरर इमेज है तो किस तरीके का मिरर इमेज है, मतलब सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है या फिर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, ये दोनों चीजें आपको देखनी है। इनैंशियोमर में, इनैंशियोमर जो होता है उसमें आपको देखनी है किसी भी मॉलिक्यूल की, तो इनैंशियोमर में क्या करना है आपको, आप एक काम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको एक दूसरे मतलब एक कंपाउंड है उसका आपने मिरर इमेज ड्रॉ किया, तो उसी कंपाउंड जो आपने मिरर इमेज ड्रॉ किया उसको उस फर्स्ट वाले कंपाउंड के ऊपर रख के देखिए, क्या बिल्कुल जहाँ पे ऊपर फिनाइल है ऊपर फिनाइल आ रहा है कि नहीं, नीचे मिथाइल है सपोज करो, नीचे मिथाइल ग्रुप आ रहा है कि नहीं, इस तरीके से आपको देखना है। ब्रोमीन आपने राइट में लगाया है तो राइट में है या नहीं, हाइड्रोजन आपने मतलब राइट में या लेफ्ट में लगाया है कि नहीं, इस तरीके से आपको देखना है। अगर वो सुपर इम्पोज कर जाते हैं तो सुपर इम्पोजिबल आपके मिरर इमेज हो जाएंगे। अगर आपके मतलब जैसे आपने फर्स्ट आपने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है उसको सेकंड से आप अगर मैच करेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट में आ रहा है कि नहीं, जो आपने राइट में आ रहा है कि नहीं, इस तरीके से अगर आप मैच करेंगे एक दूसरे के ऊपर कंपाउंड को रख के या स्ट्रक्चर को रख के, तो आपने देखना है कि सुपर इम्पोज कर रहे हैं कि नहीं, या अगर नहीं कर रहे हैं तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, ठीक है। इस तरीके से आपको इनैंशियोमर फाइंड आउट करने होते हैं किसी भी कंपाउंड में। और डाइस्टीरियोमर में आपको पता है, डाइस्टीरियोमर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आगे चल के MSc या आप नेट की तैयारी भी या जो भी आप तैयारी करते हैं, ONGC है आपके गेट वगैरह के एग्जाम है, तो छोटे छोटे आपको थोड़ी सी मतलब नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल ट्रिक वाइज, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रटने वाला काम हो। तो डाइस्टीरियोमर में मैं आपको बता दूं कि आप एक तरफ जैसे मान लो लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ग्लिसरेल्डिहाइड का एग्जांपल ले लीजिए, ग्लिसरेल्डिहाइड अगर आपने एक तरफ ड्रॉ कर लीजिए, आप मॉलिक्यूल को सिंपली आपकी बुक में भी दे रखा है, तो आप उसका अगर मिरर इमेज एक साइड बनाते हैं तो आपका DL नोटेशन भी आपने पढ़ी होगी कि अगर OH आप किसी भी कंपाउंड में अगर आपका राइट में है तो D आएगा, अगर लेफ्ट में है तो L आएगा। इस तरीके से डाइस्टीरियोमर की मैं बता दूं, डाइस्टीरियोमर में क्या होता है आपका कि बस एक चीज़ याद रखनी है डाइस्टीरियोमर में कि जैसे आप किसी भी कंपाउंड का आप बना रहे हैं, जितने भी कंपाउंड, एक चीज़ और बता दूँ, सारे फिशर प्रोजेक्शन में होते हैं, जो आप डंडी वाली लाइन बनाते हो ना, डंडे वाली, वो उसको फिशर प्रोजेक्शन आप मोस्टली बोलते हैं। हाँ, फिशर और आपके जो प्रोजेक्शंस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके, जैसे आपका शो हॉर्स है, फिशर है, फ्लाइंग वेज है, और आपका इस तरीके से चार प्रोजेक्शन होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, तो उस साइड नहीं जाते हैं। डाइस्टीरियोमर के बारे में बात करते हैं। डाइस्टीरियोमर आपके पहले तो एक दूसरे के मिरर इमेज होते ही नहीं है तो आपका ख़त्म हो गया, दैट्स ऑल।
आपको उसके आगे जाना ही नहीं है। थोड़ा बहुत जो भी कंडीशन है आपकी इनेंशियल उम्र में आती है बस। इनेंशियल उम्र की एक छोटी सी कंडीशन और होती है कि अगर आपका मॉलिक्यूल सुपर इम्पोज कर रहा है तो आपका वो मीजो कंपाउंड भी हो सकता है। बस आपका सुपर इम्पोज कर गया तो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, और आपके इस तरीके से आप मीजो कंपाउंड में भी जाते हैं। तो मीजो कंपाउंड में अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगी क्या होता है, एपिमर क्या होते हैं। कुछ कुछ को तो कुछ क्या पूरी क्लास को ही नहीं पता होगा कि स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या कहलाता है, कायरल कार्बन क्या कहलाता है, कायरल सेंटर क्या कहलाता है। तो इस तरीके से मैं वीडियो के माध्यम से और भी आगे लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगी टॉपिक वाइज टॉपिक। थैंक यू।